हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो रात के बज रहे 11 और 11 बजे मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ आज चाय। मम्मी अभी ड्यूटी से आई हैं, 10:30 बजे आई थी। तो मम्मी बोल रही थी चाय की, और मम्मी को चाय पसंद है, गुड़ की बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं कई बार बीच में सर्दियों में, गर्मियों तो बनाती नहीं, सर्दियों में कई बार मम्मी को गुड़ की चाय बना के पिलाती हूँ मैं। तो अभी मैं मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, अपनी सासू माँ के लिए। तो वो अभी आधा घंटा पहले ड्यूटी से आई हैं, तो मैं बना देती हूँ चाय गुड़ की। और कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाती हूँ, इसलिए आप लोगों से फिर चाय बना रही तो शेयर करती हूँ। चीनी की चाय तो सभी बनाते हैं, आई होप आप लोगों को सबको आती भी होगी। तो गुड़ की चाय क्या पता नहीं आती, तो मैं सिखाती हूँ ना। तो ये देखिए, ये मैंने चाय के लिए पानी चढ़ा दिया, और इसमें अदरक डाल दिया मैंने कूट के। तो इसमें डाल दूँगी मैं चाय पत्ती, और चीनी का तो काम है नहीं, तो चीनी तो मैं नहीं डालूँगी। तो ये मैंने चाय पत्ती डाल दी है इसके अंदर। तो उसके बाद डालूँगी दूध, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर दूध डाल के उबाल लिया है, मीठा नहीं डाला, अभी गुड़ नहीं डाला है इसके अंदर। अब थोड़ी देर उबल जाएगी, अच्छे से पक जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर गुड़ डालूँगी। देखिए, इसके अंदर मैंने ये गुड़ ले लिया है, कूट लिया था मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये डाल दूँगी मैं चाय के अंदर। और चाय के अंदर मैं गुड़ जब डालूँगी, मैं गैस को बंद कर देती हूँ, मैंने बंद कर दिया। अब ये डाल देती हूँ गुड़, ये देखिए चम्मच से चला दूँगी, मिक्स हो जाएगा। फिर एक उबाल दूँगी इसमें गैस चला के, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये चाय बन गई है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर, गुड़ की चाय के अंदर। थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में, क्योंकि अगर हम वैसे ही डाल देंगे जैसे चीनी की चाय बनाते हैं, गुड़ डाल देते हैं, तो दूध डालने के साथ फट जाएगी। ये देखो मैंने बनाई है, ऐसे नहीं फटी, बहुत अच्छी चाय बनी है। आप अपने घर में ज़रूर बनाना। तो अभी मैं चाय दे देती हूँ अंदर। तो फ्रेंड देखिए, ये रही मेरी गुड़ की चाय, और देखो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। और गर्म गर्म चाय गुड़ की रात के टाइम तो मज़ा ही आ जाता है। मेरे को भी बहुत चीनी से ज़्यादा गुड़ की चाय ज़्यादा पसंद है, और जो लोग पसंद करते होंगे उन लोगों को भी पता है इसके फ़ायदे का। और गुड़ तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है, चीनी से तो लाख गुना अच्छा होता है गुड़, सर्दियों में तो और भी ज़्यादा। तो आज का ये वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, कैसी है कैसी नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक भी। तो मिलते हैं सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।